सामीन हजरत, सुपर कैसेट पेश कर रहे हैं तस्लीम आरिफ कव्वाल सैदपुर बदायूनी की आवाज़ में जहेज़ और गरीबी पर एक बहुत ही हसीन कहानी। जहेज़ न लाने पर कितनी ही लड़कियों को उनके घर से निकाल दिया जाता है, न जाने कितनी लड़कियों को आग लगा दी जाती है और न जाने कितनी ही लड़कियां जिल्लत और रुसवाई की ज़िंदगी गुजार रही हैं। इन्हीं सब बातों को मद्देनज़र रखते हुए हिंदुस्तान के मशहूर शायर जनाब शौक़ वज़ीर गंजवी ने जहेज़ पर ये बड़ी बेमिसाल नज़्म लिखी है, जिसको पेश कर रहे हैं तस्लीम आरिफ और उनके हमनवा। म्यूज़िक उमर ख़ान का है। लीजिए हज़रात समाप्त कीजिएगा जहेज़ और गरीबी। ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हन, फिर उसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। से ये वाकया शुरू हो रहा है, तवज्जो के साथ समाप्त फरमाइए। सुन लो एक बार दात कहता हूँ, गौर करने की बात कहता हूँ, ये हकीकत नुमा फसाना है, एक इबरत का ताजियाना है। शहर में एक अमीर रहता था, माल उस पर कसीर रहता था, काम करता था वो तिजारत का, आदमी था बड़ी लियाकत का, घर में हर तरह खुश नसीबी थी, एक लड़का था एक बीवी थी, घर में हर तरह खुश नसीबी थी, एक लड़का था एक बीवी थी। लड़का फारिग हुआ था लिख पढ़ कर, था बिरादर में सबसे बढ़ चढ़ कर, घर में बेटा जवान जब देखा, उसकी शादी के बारे में सोचा, माँ ये बोली भतीजी लाऊंगी, ब्याह बेटे का मैं रचाऊंगी, भाई मेरा वो मालो जर देगा, सारे घर को निहाल कर देगा, होगी जिस चीज की तलब देगा, माल जेवर जहेज सब देगा। बाप ने उसकी राय जब देखी, बोला मत कीजिए वहां शादी, बात करती हो तुम तो दौलत की, और वो लड़की है तेज आदत की, आके सिक्का यहाँ जमाएगी। तुमको खातिर में वो न लाएगी, तुमको खातिर में वो न लाएगी, तुमको खातिर में वो न
लड़के की माँ ये चाहती थी कि मेरे बेटे की शादी मेरी भतीजी के साथ हो जाए, क्योंकि उसका भाई बहुत मालदार था। लेकिन बाप कहता है लड़के का कि जिस लड़की को तुम कह रही हो वो तो नए ज़माने की लड़की है, बहुत आदतें ख़राब हैं उसकी, बड़े बाप की बेटी है, यहाँ आकर किसी को खातिर में नहीं लाएगी। कहता है कि मेरी मानिए, मैं क्या कह रहा हूँ। लड़के का बाप अपनी बीवी को मशवरा दे रहा है। क्या मशवरा दे रहा है, समाप्त कीजिए आप लोग। सोचता हूँ शरीफ लड़की हो, उससे मेरे पिसर की शादी हो। शहर ही में था एक शरीफ इंसान, उसके घर जाके वो हुआ मेहमान। सिर्फ लड़की ही पास थी उसके, और कोई ना आस थी उसके। बीवी उसकी जहान पानी से, कर गई कूच 10 बरस पहले। रंजो गम था शरीक हस्ती में, दिन गुजरते थे तंग दस्ती में। बदनसीबी के अश्क पीता था, गम को दिल में छुपा के जीता था। अपनी बेटी उसे चाहती थी, बाप को देखकर वो जीती थी। दुख उठाती थी शाद रहती थी, दिल में हाँ माँ की याद रहती थी। बाप को बस मलाल था इसका, हर घड़ी बस ख्याल था इसका। तंग दस्ती उसे सताती थी, फिक्र ये उसको खाए जाती थी। पास मेरे नहीं है अब कुछ भी, कैसे शादी करूँगा बेटी की। पहुँचा वो जिसके पास शादी को, उसने ठुकरा दिया गरीबी को। तीर खा खा के दिल पे जिल्लत के, अश्क पीता था वो मुसीबत के। सबने ठुकरा दिया बिरादर में, सबने ठुकरा दिया बिरादर में, सबने ठुकरा दिया बिरादर में, सबने ठुकरा दिया बिरादर ने। खाक जिल्लत की पड़ गई सर में, खाक जिल्लत की पड़ गई सर में। गरीब की बेटी के साथ कोई भी अपने बेटे का रिश्ता करने के लिए राजी नहीं है। क्यों? इसलिए कि इसके पास दहेज में देने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ लड़की है। लेकिन अब यही रईस आदमी शहर का उस गरीब के यहाँ जाता है और अपने दिल की बात उससे किस तरह कहता है, समाप्त फरमाइएगा। अलगरज वो रईस बस्ती का, घर पे उस बद नसीब के पहुंचा। अर्ज की उससे, ऐ मेरे भाई, हमने एक नेक राय है पाई। आपके घर में एक लड़की है, बासलीका है, नेक लड़की है, इसलिए तुमसे मिलने आया हूँ। एक पैगाम तुमको लाया हूँ, पास मेरे भी एक लड़का है, तुमने देखा है नेक लड़का है। अपनी दुख्तर उसे अता कर दो, हम पे इतना करम जरा कर दो। बात सुनकर वो ये हुआ हैरान, बोला कहते हो क्या ये भाई जान। मैं कहाँ तुम कहाँ जरा सोचो, फर्क कितना है ये जरा सोचो। आप आला रईस बस्ती में, जी रहा हूँ मैं तंग दस्ती में। पास मेरे नहीं है मालो जर, सिर्फ लड़की ही लड़की है मुझ पर। जानकर ऐसी भूल कर लोगे, काली लड़की कबूल कर लोगे। सुन के बातें गरीब की बोला, तुमने मुझको सही कब तोला। क्या मैं दौलत पे भूल जाऊंगा और शराफत को भूल जाऊंगा। भाई दौलत तो आनी जानी है, और शराफत ये जाविदानी है। लाख दौलत से हाथ खाली हो, तुम शराफत में हमसे आली हो।
बावजूद ऐसी तंग दस्ती के कदर करते हैं लोग बस्ती के। माल दौलत तो एक पसाना है, कदरो इज्जत बड़ा खजाना है। हम पे एहसान कीजिए भाई, बात ये मान लीजिए भाई। मालो जर की ना कुछ जरूरत है, घर में हर बात की सहूलत है। सिर्फ लड़की शरीफ मिल जाए, गुंचे दिल हमारा खिल जाए। नेक तुम और तुम्हारी लड़की है, इसलिए मैंने बात रखी है। भाई मेरे मुझे ना तुम डालो, भाई मेरे मुझे ना तुम डालो, भाई मेरे मुझे ना तुम डालो। भाई मेरे मुझे ना तुम डालो, भाई मेरे मुझे ना तुम डालो, भाई मेरे मुझे ना तुम डालो। मेरी अर्जी कबूल कर डालो, मेरी अर्जी कबूल कर डालो, मेरी अर्जी कबूल कर डालो। वो अमीर जब उस गरीब से कहता है कि मैं बड़ी उम्मीद लेकर अपने बेटे का रिश्ता लेकर हाजिर हुआ हूँ, आप मेरी बात ठुकराए ना, अपनी बेटी के साथ मेरे बेटे का रिश्ता तय कर लें, तो वो गरीब समझा रहा है कि देखिए जनाब, आप इतने रईस आदमी, मैं इतना गरीब, आपका मेरा क्या मेल है। लेकिन मालदार कहता है कि गरीबी और अमीरी तो लगी ही रहती है, ये माना कि गरीब हैं आप, लेकिन आपकी शराफत पूरे शहर में मशहूर है। जब इतनी बात उसने सुनी गरीब ने, तो कहता है ठीक है, लेकिन मेरा मशवरा है आपको। गरीब क्या मशवरा दे रहा है अमीर को, समाज फरमाइए। बोला सुनकर गरीब, ऐ भाई मेरी सबने गरीबी ठुकराई। भूल बैठी बिरादरी मुझको, आपने दी बराबरी मुझको। मुझसे मिलने की जो ख्वाहिश है, आपका ये करम नवाजिश है। आपका हुक्म है सराखों पर, मेरी दुख्तर है आपकी दुख्तर। फिर भी एक बात अर्ज करता हूँ, अपनी रुसवाई से मैं डरता हूँ। घर में फिर जाके मशवरा कर लो, सब अजीजों से तस्किरा कर लो। आजकल का बुरा जमाना है, इस जमाने का क्या ठिकाना है। सबको रिश्ते की जब खबर होगी, बात फूटेगी मुश्तहर होगी। घर के सब लोग तुमको चर्चेंगे, नुक्ता चीनी के तीर बरसेंगे। कहना होगा यही बिरादर का, क्यों न रिश्ता किया बराबर का। रिश्ता मुफलिस से करके क्या लोगे, बोलो फिर तुम जवाब क्या दोगे। तुमको हर एक अजीज टोकेगा, शादी करने से तुमको रोकेगा। राय अपनी चला न पाओगे, बात फिर कैसे ये बनाओगे। आपने जिद में कर भी ली शादी, सोच लो आगे हो न बर्बादी। लोग मिलकर बिछड़ते दे, सैकड़ों घर उजड़ते देखे हैं, सैकड़ों घर उजड़ते देखे हैं, सैकड़ों घर उजड़ते देखे हैं। वो गरीब कहता है कि मैं चाहता हूं कि आप एक बार अपने घर जाकर अपने सब रिश्तेदारों से, अजीज व अकारिब से सलाह मशवरा और कर लीजिए, क्योंकि ये आजकल का बुरा ज़माना है।
मैं बहुत गरीब हूँ, जहेज में आपको कुछ भी नहीं दे पाऊंगा, सिर्फ बेटी है मेरे पास। तो ये रईस आदमी ये बातें सुनकर अपने घर आता है और 3 दिन के बाद फिर जाता है उसी अमीर के पास। फिर जाकर क्या कहता है समाज फरमाइए। तीसरे रोज वो रईस इंसान जाके मुफलिस के घर हुआ मेहमान। बोला जाकर गरीब से भाई, दिल की उम्मीद मेरी बर आई। कर लिया मशवरा बिरादर से, सब अजीजों से और सब घर से, खुश यकीनी ये रंग लाई है, राय मेरी करार पाई है। दोनों खुश हो गए मसरत से, रिश्ता तय हो गया मोहब्बत से। काम शादी का हो गया जारी, अब लगी होने खूब तैयारी। अब इन दोनों की बातें तय हो जाती हैं गरीब और अमीर के दरमियान। जो बातें हुई थी, अमीर का बेटा, गरीब की बेटी, इन दोनों की बात पक्की हो गई। अब देखिए उस अमीर आदमी के बेटे की बारात बड़ी धूमधाम से चढ़कर आती है, मगर सुबह को जब ये गरीब अपनी लाडली बेटी को रुखसत कर रहा है, जिसकी माँ बचपन में छोड़कर मर गई थी, इसे छोटा सा बाप ने ही पाला है अपनी बेटी को, तो जब ये बाप अपनी उस बेटी को रुखसत कर रहा है, तो उस वक्त इसके दिल पर क्या गुजर रही है रुखसत के वक्त बाप की नसीहत बेटी को, समाप्त कीजिएगा। बाप ने बेटी जब के रुखसत की, एक नाजुक घड़ी थी हसरत की। दिल पे जो आ पड़ी वो सहते थे, अश्क दोनों के आज बहते थे। बाप बोला कि लाडली मेरी, शाक है मुझ पे रुखसती तेरी। क्या करूं बेटी है ये मजबूरी, बाप बेटी में होती है दूरी। गम ये सबको उठाना पड़ता है, दिल को पत्थर बनाना पड़ता है। आज एहसास है गरीबी का, दिल निशाना है बदनसीबी का। खाली रुखसत जो तुझको करते हैं, दिल में तूफान गम उभरते हैं। माँ ने छोड़ा था तुझको बचपन में, तू पली मुफलिसी के दामन में। चैन तूने कभी नहीं पाया, लब पे शिकवा कभी नहीं आया। मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी बेटी, ना कोई गम करना। दिल पे अपने तू ये रकम करना। करना ससुराल वालों की खिदमत, उनकी खिदमत से पाएगी अजमत। उनकी नाराजगी से तू डरना, फर्म बरदारी हर घड़ी करना। रहना शौहर की तू इताअत में, फर्क आने ना पाए खिदमत में। वक्त ले इम्तहा अगर तेरा, दिल न मैला हो जर्रा भर तेरा। पेश आए अगर कोई उलझन, पेश आए अगर कोई उलझन, पेश आए अगर कोई उलझन, मेरी बेटी, पेश आए अगर कोई। देख छूटे ना सब्र का दामन, देख छूटे ना सब्र का दामन, देख छूटे ना सब्र का दामन। रुखसत के वक्त वो गरीब बाप अपनी बेटी से कह रहा है कि देख बेटी, अगर तेरी जिंदगी में कभी कोई दुख, मुसीबत, परेशानी आ जाए, तो सब्र का दामन कभी अपने हाथ से मत छोड़ना, और हमेशा अपने सास ससुर को अपने माँ बाप की तरह समझना, हमेशा अपने शौहर की फरमा बरदारी करना। लेकिन 2-3 बातें और कहता है आखिर में, डोली में बिठाते वक्त क्या कह रहा है समाप्त कीजिए। है तकाजा यही शराफत का,
मौका देना ना तू शिकायत का, दिल में ये बात आज रख लेना, मेरी बेटी तू लाज रख लेना, फिर दुआ की के तू फले फूले, झूले हर दम तू ऐश के झूले, खूब आंसू बहा लिए उसने, लड़के वालों से ये कहा उसने, भाई जा मेरी तुम दुआ लेना, अपने दामन में तुम छुपा लेना, सुन के उसने कहा सुनो भाई, अब खुशी की बजेगी शहनाई, जो कहा है वो कर दिखाऊंगा, शम्म उल्फत सदा जलाऊंगा। कैसा वो रुखसती का मंजर था, 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 चलता फुरकत का दिल पे खंजर था, चलता तरीके से वो बाप अपनी बेटी को रुखसत कर रहा है, लेकिन जब वो रुखसत कर रहा है तो उस लड़की की बचपन की सहेलियां अपनी सहेली की रुखसत पर एक सुहाग गाती हैं, वो सुहाग कौन सा है समाप्त कीजिएगा। आज उसकी सहेलियां रोकन, आज उसकी सहेलियां रोकर ऐसा कहती थी रंज में खोकर, सहेलियां डोली में बिठा रही हैं अपनी सहेली को और कह रही हैं कि ऐ सखी गुल बदन आज बनी के दुल्हन, ऐ सखी गुल बदन आज बनी के दुल्हन, तू चली अपने सजना के द्वार, तुझको खुश रखे परवरदिगार, सखी तुझको खुश रखे परवरदिगार, सखी तुझको खुश रखे परवरदिगार, ऐश तुझको मिले प्यार के गुल खिले, ऐश तुझको मिले प्यार के गुल खिले, तेरे अंगना में झूमे बहार, तुझको खुश रखे परवरदिगार, मेरी सखी तुझको खुश रखे परवरदिगार, सखी तुझको खुश रखे परवरदिगार, आज बाबुल के घर से बिछड़ कर चली, 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 और जाके देखेगी सजना की प्यारी गली, रफ्ता रफ्ता तेरा दिल बहल जाएगा, रफ्ता रफ्ता तेरा दिल बहल जाएगा, मेरी बहना न रो पार पार, तुझको खुश रखे परवरदिगार, सखी तुझको खुश रखे परवरदिगार, तेरी सखी तुझको खुश रखे परवरदिगार, आज बाबुल के घर से बिछड़ कर चली, आज बाबुल के घर से बिछड़ कर चली, आज बाबुल के घर से बिछड़ कर चली, जाके देखेगी सजना की प्यारी गली, रफ्ता रफ्ता तेरा दिल बहल जाएगा, रफ्ता रफ्ता तेरा दिल बहल जाएगा, मेरी बहना न रो पार पार, तुझको खुश रखे परवरदिगार, सखी तुझको खुश रखे।
परवरदिगार। बाबुल का दिल आज है मुजमहल, तेरे बाबुल का दिल आज है मुजमहल। ले चली उनके दिल का करार, तुझको खुश रखे परवरदी जा मेरी बेटी, तुझको खुश रखे परवरदिगार। सखीरी तुझको खुश रखे परवरदिगार। खुशियों की गंगा बहे, तेरा मन हो मगन तू रहे खंदाजन, तेरा मन हो मगन तू रहे खंदाजन। जिंदगी भर मिले ऐसा प्यार, तुझको खुश रखे परवरदिगार। सकीरी तुझको खुश रखे परवरदिगार। सकीरी तुझको खुश रखे परवरदिगार। सकीरी तुझको खुश रखे परवरदिगार। जब कभी कोई नाजुक घड़ी आएगी, उस घड़ी ऐ सखी याद माँ बाप की, उस घड़ी ऐ सखी याद माँ बाप की। तुझको तड़पाएगी बार बार, तुझको खुश रखे परवरदिगार। सुना कि ये गरीब की बेटी किस तरह से रुखसत होकर अपनी ससुराल में जाती है, लेकिन अब ससुराल में जाने के बाद इसको क्या क्या परेशानियां होंगी, क्या क्या मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी, आगे समाप्त कीजिएगा। काम अंजाम खैर से पाया, दूल्हा लेकर दुल्हन को घर आया। घर में थी हर तरफ खुशी छाई, बज रही थी खुशी की शहनाई। शम्मा घर में खुशी की जलती थी, चुपके चुपके ये बात चलती थी। ये दुल्हन कैसी घर में आई है, साजो सामान कुछ न लाई है। एक दो दिन रही ये सरगोशी, फिर तो इख्तियार की है खामोशी। घर में फिर उस दुल्हन की आदत से दिन गुजरने लगे मसरत से। खूबसूरत थी नेक सीरत थी, इसलिए सबको उससे उल्फत थी। सास की और ससुर की शौहर की, करती खिदमत वो खूब सब घर की।
सास के हुक्म सब बजाती थी, काम धंधे में जी लगाती थी, नाद उठाती थी पास रहती 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 थी, सास फिर भी उदास रहती थी, सास फिर भी उदास रहती थी, सास फिर भी उदास रहती थी। बेचारी गरीब की बेटी अपने सास ससुर का शौहर का सारा काम धंधा करती थी, लेकिन सास का मुंह जो था हमेशा फूला फूला रहता था। लड़का जब अपनी माँ को दास देखता है तो माँ से कहता है, क्या कहता है आप लोग भी सुनिए। माँ को देखा उदास लड़के ने, जाके पूछा ये पास लड़के ने, माँ बताओ ये माजरा क्या है, चेहरा क्यों ये उदास रहता है, तुमको अरमा था मेरी शादी का, लब पे हर दम ये जिक्र रहता था, ब्याह बेटे का जब रचाऊंगी तब मैं दिल की मुराद पाऊंगी, अब तो माँ मेरी हो गई शादी, मिल गई तुमको खूब आजादी, बात क्या है कि तुम हो रंजीदा, कुछ तो है इसमें राज पोशीदा, देखता हूँ मैं बाद शादी के, रंज चेहरे पे ना मुरादी के, इससे पहले ना हाल था ऐसा, कुछ कहो माँ मलाल है कैसा, रंज किस बात का ये सहती हो, किस लिए तुम उदास रहती हो, तुमको मेरी कसम बताओ तो, हाल दिल का मुझे सुनाओ तो। माँ अपने बेटे की ये बातें सुनकर कह रही है कि बेटे मैं क्यों उदास रहती हूँ तू पूछना चाहता है, सुन मैं क्यों उदास रहती हूँ, मैं आज तुझसे कह रही हूँ। माँ अपने बेटे से कह रही है, माँ ये सुनते ही आंसू भर लाई, गम की ये कैफियत नजर आई, अश्क आंखों से फिर लगे बहने, आह भर कर वो यूं लगी कहने, मुझसे ये मेरे लाल मत पूछो, रहने दो मेरा हाल मत पूछो, मेरी मर्जी की कब हुई शादी, बात मेरी तो सबने ठुकरा दी, अपनी मर्जी का ब्याह कर लाए, मेरे अरमान नहीं निकल पाए, जो दुल्हन तेरी घर में आई है ये बता साथ कुछ बिलाई है, शादी में जब जहेज मिलता है गुंचे दिल तभी तो खिलता है, सब महल्ले के घर के बाहर के लोग कहते हैं ये बिरादर के, ये बहू कैसी घर में आई है, ये बहू कैसी घर में आई है, मालो जेवर ना साथ लाई है, माल जेवर ना साथ लाई है, माल जेवर ना साथ लाई है। माँ अपने बेटे से कहती है कि बेटे तेरी कैसी शादी हुई, ना तेरी बीवी कार लेकर आई, ना वीसीआर है, ना कलर टीवी है, ना वॉशिंग मशीन है, क्या मिला है तुझे जहेज में खाक, मैं जहाँ से चाह रही थी तेरे मामू के यहाँ से तेरी शादी करना चाह रही थी, वहाँ से तुझको कितना माल मिलता। लेकिन अपनी माँ की ये बातें सुनकर बेटा कहता है कि अम्मी जिन चीज़ों की फरमाइशें आप कर रही हैं ये तो अल्लाह के करम से पहले ही अपने घर में मौजूद हैं। माँ कहती है कि बेटे अगर तू मुझे खुश रखना चाहता है तो तुझे मेरी मर्जी से दूसरी शादी करना ही पड़ेगी। तो लड़का अपनी माँ की जिद के आगे मजबूर होकर दूसरी शादी के लिए हाँ कह देता है। लेकिन अब दूसरी शादी होती है जहाँ से माँ चाह रही थी अपने भाई की लड़की, तो उस दूसरी शादी का अंजाम क्या होगा समाप्त कीजिएगा।
घर में बीवी जो दूसरी आई, साजो सामान खूब सा लाई, सोने चांदी का लाई वो जेवर, जिसकी शोहरत थी चार सू घर घर, चार आते थे चार जाते थे, लोग फूले नहीं समाते थे, सारे घर पे थी यूं खुशी छाई, जैसे गुलशन में हो बहार आई। पहली बीवी को कुछ न हैरत थी, क्योंकि सबसे उसे मोहब्बत थी, काम धंधे में और इतात में फर्क आया ना कोई खिदमत में, उसके अखलाक और मोहब्बत से पेश आते थे सब इनायत से, वो बड़ी खूबियों की हामिल थी, वो तहम्मुल मिजाज खुश दिल थी, होता नाराज जो कोई घर में, राजी करती उसे वो दम भर में, यूं मना लेती खुश बयानी से, आग बुझती है जैसे पानी से, कोई औरत जो घर पे आती थी, उसको इज्जत से वो बिठाती थी, सब बड़ी बूढ़ियां दुआ देती और बराबर की मुस्कुरा देती, सुबह बेदार पहले होती थी, रात को सबसे बाद सोती थी, पहले जिस जिसने इसको ठुकराया के जहेज इसने कुछ नहीं पाया, अब वो सब खुश थे उसकी आदत से, पेश आते थे सब मोहब्बत से, जैसी मुद्दत गुजरती जाती थी मंजिलत उसकी बढ़ती जाती थी, सब महल्ले के और सब घर के उसकी तारीफ खूब करते थे। जब मोहल्ले वाले और सारे ही लोग उस पहली वाली बीवी की गरीब की बेटी की तारीफ करते थे उसकी आदतों को देखकर, तो इस दूसरी वाली को बहुत बुरा लगता था। इसने एक दिन क्या किया, जलने लगी ये पहली वाली से, और जलन में क्या किया सुनिएगा। दूसरी देख देख जलती थी, उसके दिल पर छुरी सी चलती थी, पहली बीवी पे वो बिगड़ती थी, घर में हर वक्त उससे लड़ती थी, बात बेबात उस पे गुर्राती, मार फटकार उस पे डलवाती, फिर भी बेचारी कुछ नहीं कहती, मार फटकार पर भी खुश रहती। दूसरी बीवी ऐश उठाती थी, 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 हुक्म सब घर पे वो चलाती थी। सारे घर पे हुकुम भी चलाती थी, लेकिन एक नया काम भी करती थी साथ साथ। वो नया काम कौन सा करती थी सुनिएगा आप लोग, बड़े मजे की बात है। उसके मैके से एक लड़के के चोरी चोरी खतूत आते थे, एक दिन सारे खत वो चुपके से पहली वाली के बक्स में रखे, चुपके चुपके ये की सितम कोशी, अपने शौहर से की ये सरगोशी, बोली कुछ आपको खबर भी है, अपनी बीवी पे कुछ नजर भी है, इस चहीती के कुछ चलन देखे, इसके पोशीदा कुछ जतन देखे, इश्क गैरों से वो लड़ाती है, चुपके चुपके वो खत मंगाती है, इसने पढ़ पढ़ के खत छुपाए हैं, क्या खबर वो कहां से आए हैं, राज जब खुल के मुश्तहर होगा, नाम बदनाम किस कदर होगा, बात फैलेगी जब ये घर घर में, मुंह दिखाओगे क्या बिरादर में। दूसरी वाली बीवी क्या करती है कि एक लड़के से इसका लव चल रहा था,
शादी से पहले से ही उस लड़के के खत आते थे, शादी के बाद भी इसके नाम। एक दिन इसने क्या किया कि खत तो थे अपने लेकिन रख दिए उस बेचारी पहली वाली के बक्से में और जाकर अपने शौहर से कहा कि देखो तुम नेक समझते हो पहली वाली को, आओ मैं तुम्हें उसके करतूत दिखाऊं। ये बेचारी पहली वाली किस तरह फंसती है समाप्त कीजिएगा। सुन के इस बात को वो झुंझलाया, बोला किसने तुझे है बहकाया, सब सरासर ये झूठ तोहमत है, पारसा है वो नेक औरत है, वो शरीफ और शरीफ जादी है, किसने झूठी तुझे हवा दी है, बोली वो पहले जांच कर लीजिए, बोली वो पहले जांच कर लीजिए, झूठ निकले तो मेरा सर लीजिए, बात को मेरी तोल कर देखो, बात को मेरी तोल कर देखो, बात को मेरी तोल कर देखो। उसका संदूक खोल कर देखो, उसका संदूक खोल कर देखो, उसका संदूक खोल कर देखो। दूसरी वाली कहती है अपने शौहर से कि तुम मेरी बात अगर झूठ मानो तो उसका संदूक खोल कर देख लो, सब हकीकत पता चल जाएगी। सामीन, जब इस लड़के ने अपनी पहली वाली बीवी का संदूक खोल के देखा तो उसको खत मिल गए, और खत क्यों नहीं मिलते, क्योंकि दूसरी वाली ने रख दिए थे इसको फंसाने के लिए। जब खत मिलते हैं तो इसे गुस्सा आता है और अपनी पहली बीवी से क्या कहता है समाप्त कीजिएगा। तूने दी है बड़ी दगा मुझको, खत ये किसके हैं ये बता मुझको, बोली मैं क्या बताऊं किसके हैं, किसने बक्से में मेरे रखे हैं, बेताल्लुक हैं खत ये सब मुझसे, की दगा मुझसे बेसबब किसने, मैंने खत एक भी नहीं देखा, साथ मेरे किया है ये धोखा, तुम हो सरताज मेरे ऐ शौहर, कोई तुमसे नहीं मुझे बढ़कर, आप तहकीक इसकी कर लीजिए, जुर्म मेरा हो तो सजा दीजिए। पहली वाली कहती है कि मेरे सरताज ये मेरे नहीं है खत, आप इसकी तहकीक कर लें, अगर ये वाकई मेरे खत हैं तो मुझे सजा दीजिए। इतने में वो दूसरी वाली अपनी सास को भी बुला लाई, यानी अपनी फूफी को भी बुला लाई। अब जब दोनों फूफी भतीजी इकट्ठी होती हैं तो लड़के को किस तरह चढ़ा रही हैं दोनों। पहले माँ कहती है बेटे से, सास बोली के इसकी हरकत से पानी पानी हूँ मैं तो गैरत से, मैंने खत पढ़ते इसको देखा है, क्या खबर थी खतों में क्या क्या है, अब मैं समझी के बदचलन है ये, पर्दे पर्दे में नीचपन है ये, एक तो खाली हाथ घर आई और इस फेल पर उतर आई, बाप बेटे ने एक नहीं मानी, नेक लाए हैं ये बहुरानी, सब ये कहते थे नेक है बीवी, लो हजारों में एक है बीवी, जाने क्या क्या सितम ये ढाएगी, दाग इज्जत को ये लगाएगी, मेरे बेटे तू सोचता क्या है, तेरी गफलत का ये नतीजा है, इसको रखेगा तू अगर घर में, खाक झोंकेगी एक दिन सर में, ये ना हरकत से बाज आएगी, मौका पाकर ये भाग जाएगी। लड़का तो पहले ही फूका हुआ बैठा था, माँ ने खूब चाबी भर दी उसमें। अब लड़का उठता है गुस्से में और अपनी पहली वाली बीवी के साथ क्या सुलूक करता है समाप्त कीजिएगा। सख्त गुस्से में था वो पहले ही, माँ ने और आग आके भड़का दी,
मारू सुने लगाई हंटर से और कहा चल निकल मेरे घर से। अब ना रखूंगा मैं तुझे घर में, गैर का है जुनू तेरे सर में, जिसके पड़ती है खत मंगा कर तू, घर में रहना उसी के जा कर तू, जिस्म से खून जब लगा बहने, आह भर कर वो यूं लगी कहने, जान से चाहे मार डालो तुम, घर से बाहर न यूं निकालो तुम, जो भी दुख होगा वो उठा लूंगी, छोड़ कर तुमको मैं न जाऊंगी, मेरे सरताज बेखता हूँ मैं, आप ही पर फकत फिदा हूँ मैं। लाख शौहर की उसने मिन्नत की, उसने लेकिन न कुछ समात की, गुजरी इस तरह रात जब आधी, मार खा कर वो होश खो बैठी, उसके शौहर ने फिर बुरा सोचा, उसको बाहर सड़क पे ला फेंका। एक तो सख्त चोट आई थी और जाड़े की फिर दुहाई थी, हम दिए कैसे बदनसीबी ने, हम दिए कैसे बदनसीबी ने, हम दिए कैसे बदनसीबी ने, बदनसीबी ने, बदनसीबी ने, हम दिए कैसे बदनसीबी ने, हम दिए कैसे बदनसीबी ने, हम दिए कैसे बदनसीबी ने, घर बदर कर दिया गरीबी ने, घर बदर कर दिया गरीबी ने, घर बदर कर दिया गरीबी ने। गम दिए कैसे बदनसीबी ने, घर बदर कर दिया गरीबी ने। देखिए ये लड़का इतना मारता है उसे पहली बीवी को, सर्दी के दिन हैं, ये बेचारी मार खाकर खुशामद करती है कि मेरे सरताज में बिल्कुल बेखता हूँ, लेकिन वो नहीं मानता और धक्के मार कर उसे घर से बाहर निकाल के डाल देता है रोड पर। अब ये बेचारी गरीब की बेटी बाहर रोड पर पड़ी है, कौन आता है इसकी मदद के लिए, जिसका कोई नहीं उसका भी खुदा है यारो। सुनिएगा इसकी मदद को कौन आ रहा है। रक्षे वाला उधर से एक आया, उसको मुर्दा सा जो पड़ा पाया, जल्द देखा करीब से जाकर, बोला वो एकदम ये घबरा कर, ये तो अपने तरफ की लड़की है, किसने लाकर यहाँ पे डाली है, लेके उसको महल्ले में आया, बाप के पास उसको पहुंचाया, बाप ने उसका हाल जब देखा, रह गया थाम कर जिगर अपना, गम की मारी को होश जब आया, आंख खोली तो बाप को पाया, बाप को सारा राज समझाया, बाप को पापों में आंसू भर लाया, पापा को में आंसू भर लाया, पापा को में आंसू भर लाया। देख कर हाल अपनी बेटी का, देख कर हाल अपनी बेटी का, हो के रंजीदा वो ये कहता था। जब वो गरीब अपनी बेटी का ये हाल देखता है तो अल्लाह ताला से एक शिकायत करता है, कहता है कि किसी को भी मालिक गरीबी न दे, किसी को भी मालिक गरीबी न दे, गरीबी अगर दे, गरीबी अगर दे तो बेटी न दे, किसी को भी मालिक गरीबी न दे, किसी को भी मालिक।
वहां से ये गरीब की बेटी अपने बाप के घर आ गई, लेकिन अब वहां चलते हैं वापस। देखिए वो जो दूसरी वाली रह गई वो क्या क्या गुल खिला रही है, सुनिएगा। अब सुनो उस रईस के घर की, आगे फिर वारदात क्या गुजरी। दूसरी बीवी रह गई घर में, और आफत पड़ी नई घर में। लड़के एक रोज अपने शौहर से, अपने मैके को वो चली घर से। बदला गुस्से में सब तेरे सपना, और चली लेके सूट के सपना। सबने रोका मगर नहीं मानी, शेरनी बन गई बहुरानी। गई चली गई दूसरी वाली अपने शौहर से, लड़के चली गई अपनी ससुराल। अब रह गई अकेले सास। कुछ दिनों के बाद अपने बेटे से कहती है, माँ के बेटे अब मैं बुढ़ापे में इस घर का कहाँ तक काम करूँ। तेरी पहली बीवी भी चली गई, दूसरी भी। ऐसा है तू अपनी पहली ससुराल जा और पहली वाली को बुला ला। तो ये लड़का जब पहली ससुराल जाता है तो क्या देखता है, सुनिएगा। पहली ससुराल में वो जब पहुंचा, दूर से ये उसे नजर आया। घर पे ताला लगा है बाहर से, लोग बाहर बहुत से हैं बैठे। माजरा दूर से ये जब देखा, एक लड़के से उसने ये पूछा, कैसा ताला लगा है इस घर पे, और ये मजमा है किस लिए घर पे। सुन के उसने कहा, सुनो भाई तुमने क्या कुछ खबर नहीं पाई। आज 10 दिन हुए के इस घर की, होके बीमार मर गई लड़की। गम में लड़की के बाप बेचारे, कर गए इंतकाल दुनिया से। उन बेचारों का आज तीजा है, सारा घर मौत ने उजाड़ा है। कोई बाकी रहा न घर वाला, घर पे डाला है इसलिए ताला। एक लड़का मिलता है, कहता है कि जनाब आपकी बीवी तो मर चुकी, 10 दिन हो गया जिसको, और आपके ससुर भी मर गए 3 दिन पहले, आज उनका तीजा था, अब इस घर में कोई नहीं है। मायूस लौट कर आता है अपने घर। माँ कहती है, बेटे लाया नहीं पहली बीवी को, कहा इंतकाल हो गया अम्मी। तो कहा कि फिक्र ना कर, अपने मामू के घर जा और दूसरी वाली को बुला ला। तो अभी ये अपने मामू के घर जाता है तो वहां पर क्या नौटंकी देखता है, समाप्त कीजिए। अलगरज एक दिन वो जा पहुंचा, अपने मामू के घर पे क्या देखा। सारे घर पे उदासी छाई है, जैसे कोई तबाही आई है। इसने पूछा सबब ये घबरा कर, क्यों उदासी है सबके चेहरों पर। होके शर्मिंदा सबने सर डाले, कुछ न कह पाए आज घर वाले। एक लड़का पड़ोस का बोला, आपकी बीवी ने ये विष घोला। चोरी चोरी वो खत किताबत से, इश्क करती थी एक मुद्दत से। इश्क ने उसको वो हवा दी है, उसी लड़के के साथ भागी है। खुल गया राज जो था पोशीदा, खुल गया राज जो था पोशीदा, खुल गया राज जो था पोशीदा, खुल गया राज जो था पोशीदा। इसलिए आज सब है रंजीदा, इसलिए आज सब है रंजीदा, इसलिए आज सब है रंजीदा। दूसरी वाली जिससे इश्क करती थी उसके साथ भाग गई। अब ये लड़का बड़ा अफसोस में आके अपनी माँ को डांटता है कि अम्मी ये सब तुम्हारी और तुम्हारी भतीजी की करतूत, तुमने मेरे दोनों घर बर्बाद करा दिए। अब ये लड़का इतना बुरा आदतों का शिकार बनता है, चोरी जुआ शराब सब आदतें होती हैं। एक दिन इसने क्या किया, एक बोतल लाया शराब की, उसमें कुछ नशे की गोलियाँ डाके ऊपर कमरे में गया और पीकर सो गया। लेकिन सुबह को क्या हुआ, एक सौदा समा गया सर में, जाम पी कर वो सो रहा घर में। हसबे मामूल जब सुबह आई, माँ ने बेटे को चाय भिजवाई। पहुंचा नौकर तो क्या नजर आया, इसने दुनिया से कूच फरमाया। मर गया ये लड़का भी। और आखिर में क्या होता है, और एक रात ये गजब टूटा, इसका घर डाकुओं ने आ लूटा। डकैती बढ़ गई इसके घर।
लुट गया वो रईस घर ऐसा, पास बाकी रहा ना एक पैसा। कल जो घर था रईस बस्ती में, अब घिरा था वो तंग दस्ती में। आज थे बेकसी में घर वाले, दर्श लेते थे सब नजर वाले। है फुलालच में माल दौलत के, सर पे टूटे पहाड़ आपत के। जो ना करते जहेज की शादी, जो ना करते जहेज की शादी, जो ना करते जहेज की शादी। होती दोनों तरफ ना बर्बादी, होती दोनों तरफ ना बर्बादी, होती दोनों तरफ ना बर्बादी। जो ना करते जहेज की शादी, होती दोनों तरफ ना बर्बादी। जिससे आए समाज पर आफत, शौक ऐसे जहेज पर लानत। तो ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की। अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, आदत जहेज की, आदत जहेज की, आदत जहेज की, आदत जहेज की।